हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ सभी लोग जो है वो मजे में होंगे। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं टेक वाणी। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट 12th जन के प्रोसेसर पे बेस्ड लैपटॉप के बारे में, जो कि आपको एक बजट के अंदर देखने को मिल जाएगा, मतलब 40,000 रुपीज की रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपको 12th जन के प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप जो है लेने चाहिए, प्रेफर करने चाहिए रादर देन 10th और 11th जनरेशन के, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साथ ही क्या बेस्ट ऑप्शंस आपको इस रेंज के अंदर मिलने वाले हैं वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, साथ ही काफ़ी नॉलेजेबल भी रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन ज़रूर से दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। अगर आपको अपनी पसंद का लैपटॉप मिलता है तो एक बार ऐसे जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते अपने सबसे पहले लैपटॉप के बारे में और इसी के साथ ही आपको डिफरेंस भी बताने वाला हूँ 11th और 12th जन के बीच में। ये है Lenovo IdeaPad Slim 3, जहां पर आपको Intel Core i3 12th जन का लेटेस्ट प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर जो रैम है वो आपको 8GB की देखने को मिलती है, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं 16GB में। ये 3200 MHz की रैम है, तो ऐसे में अच्छी फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल रही है, साथ ही आपको अपग्रेडेबिलिटी भी देखने को मिल रही है। डबल आप रैम कर सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही जो स्टोरेज है वो भी हाई स्पीड SSD है, 512GB की आपको SSD देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, प्रोसेसर भी फास्ट है, रैम भी अच्छी अपग्रेडेबल है, स्टोरेज भी काफ़ी फास्ट आपको देखने को मिल रही है। कॉम्बिनेशन जो है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई इसी रेंज के अंदर i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर भी देखने को मिलता है, तो ऐसे में मैं i3 12th जन क्यों लूँ? तो यहाँ पर मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वो है परफॉर्मेंस। और अगर मैं सिनेबेंच R23 के सिंगल कोर की बात करूं तो लगभग 25% आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यही सेम चीज़ आपको पासमार्क और Geekbench 5 के स्कोर्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। सिंगल कोर के अंदर डेफिनेटली, और 90% आपके काम जो है सिंगल कोर के अंदर होते हैं जब आप लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मल्टी कोर की, तो वहाँ पर जो i5 है वो स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है। 10 nm की FinFET टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है, और क्योंकि 10 nm के ऊपर बेस्ड है तो यहाँ पर आपको जो एफिशिएंसी है वो भी बेटर देखने को मिलेगी, साथ ही आपको जो बैटरी बैकअप है वो भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यार लेटेस्ट है, ज़्यादा बेटर आपको अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, और ज़्यादातर सभी लोग लेटेस्ट लैपटॉप लेने में बिलीव करते हैं। बाकी इसका एक डिटेल कंपैरिजन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। Lenovo IdeaPad Slim 3 के अंदर आपको एक 15.6 इंच की बड़ी फुल HD की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, और बेजल्स भी काफ़ी नैरो है। यहाँ पर 3 sides आपको नैरो बेजल्स देखने को मिलते हैं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। बड़ी स्क्रीन है 15.6 इंच की, तो वीडियोज़ वगैरह देखने में भी आपको मज़ा आएगा। जो स्क्रीन के थोड़ी सी ऊपर आपको एक वेबकैम देखने को मिलता है वो 720p का है, और मुझे समझ में नहीं आता कि 2022 के अंदर भी आज की तारीख में लैपटॉप वाले अभी ने आपको इतना अपग्रेड नहीं कर पाए हैं कि आपको एक एटलीस्ट 1080p मतलब फुल HD का जो है वेबकैम दे सके। भाई सभी लैपटॉप मैन्युफैक्चरर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करें वेबकैम के मामले में, अच्छा वेबकैम जो है देना स्टार्ट करें। लेकिन एक बात अच्छी है कि यहाँ पर आपको प्राइवेसी शटर देखने को मिलता है, तो प्राइवेसी के मामले में डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज देखने को मिल जाएगी। बात करूं वेट की, तो 1630 ग्राम का वेट है, 6 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप आपको मिलना चाहिए। अच्छी बात यह कि 1 घंटे के अंदर ये 0 to 80% चार्ज हो जाता है, तो ऐसे में आपको रैपिड चार्ज का सपोर्ट यहाँ पर देखने मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हैवी यूज़ करते हैं तो इस लैपटॉप के अंदर आपको 4 घंटे से के आसपास जो है वो बैटरी बैकअप मिलने वाला है। विंडोज 11 का सपोर्ट मिलेगा 64-bit वाला, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी 2021 का, साथ में एक्सबॉक्स गेमिंग का पास आपको मिलेगा 3 month का। और हाँ, यहाँ पर आप इजीली GTA 5 वेलोरेंट जैसी गेम प्ले कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। लैपटॉप जो है वो आपको मेटलिक लुक के अंदर देखने को मिलेगा, हालांकि प्लास्टिक बॉडी है। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है जिनकी आवाज़ आपको अच्छी देखने को मिलेगी, और पोर्ट्स के मामले में यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट भी मिलेगा, टाइप ए का पोर्ट भी मिलेगा, हेडफोन माइक जैक, एक फुल साइज HDMI पोर्ट, और साथ ही आपको कार्ड रीडर का सपोर्ट भी मिल जाता है। एक अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, इस लैपटॉप के साथ आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है, और 45,000 rupees की रेंज के अंदर आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। लैपटॉप देखने में काफ़ी सही है, और क्योंकि 2 साल की वारंटी, विंडोज़ 11 और MS ऑफिस भी साथ में मिल रहा है, तो ओवरऑल आपको ठीक ठाक पैकेज जो है इसके अंदर मिल जाता है। फिर भी अगर आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए तो वो है ASUS का VivoBook 15। ये भी 2022 का लेटेस्ट मॉडल है, जहाँ पर आपको 15.6 इंच की एक बड़ी फुल HD की डिस्प्ले जो है देखने को मिलती है, और यहाँ पर भी आपको इंटेल कोर i3 12th जन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ड्यूल चैनल रैम है इसके अंदर, 4GB की ऑनबोर्ड है, 4GB की अलग से लगाई गई है, तो 8GB की रैम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छी स्पीड आपको यहाँ पर मिलने वाली है, साथ ही 512GB की हाई स्पीड SSD भी इस लैपटॉप के अंदर मिलने वाली है। कुछ अच्छी बातें हैं इस लैपटॉप के अंदर जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो 8GB की रैम है
इसको आप 24 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। SSD को भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। बैटरी बैकअप भी इस लैपटॉप का आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलने वाला है, लगभग 8 घंटे के आसपास का। और ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको इंटेल के आईरिस एक्सी ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने में मिलता है। तो ओवरऑल अगर मैं लिनोवो से कंपैरिजन की बात करूं, जो पिछला लैपटॉप था, तो उसके मुकाबले ग्राफिक्स का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। अपग्रेडेबिलिटी भी आपको ज्यादा देखने में मिलती है। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करूं तो यहां पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। एक 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो वाली बड़ी फुल HD की डिस्प्ले आपको यहां पर मिलती है। और अच्छी बात यह कि 180 डिग्री के आपको हिंजेस देखने को मिलते हैं। और जो डिस्प्ले है वो एक IPS पैनल है, तो ऐसे में डिस्प्ले की क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आपको यहाँ पर मिलेगा और विंडोज 11 भी आपको प्री इंस्टॉल यहाँ पर मिलने वाली है, 64-bit वाली, और ये लाइफ टाइम वेटिलिटी के साथ आती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ये लैपटॉप 47990 के अंदर आपको मिल जाता है। 1700 ग्राम के आसपास का वेट है और इसके अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी सवाल है 11 जनरेशन से कंपैरिजन में 12 जन को, और कोई भी अगर i5 i7 i9 अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मुझसे 1-on-1 बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है tech_vani, वहाँ पर हम बात कर सकते हैं 1-on-1। वहाँ पर मैं लाइव भी आता हूँ यार, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं लगातार ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।